दोस्तों, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही LIC का IPO लाया जाएगा। तब से लेकर यह काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोगों में इसे लेकर कन्फ्यूजन भी है कि क्या LIC में IPO का आना सही रहेगा या गलत। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि केंद्र सरकार LIC को भी प्राइवेट करने की तैयारी में है। तो दोस्तों, इस तरह की बातों को मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें इस टर्म में IPO को थोड़ा समझना चाहिए। आखिर ये IPO है क्या? क्या इसका मतलब किसी सरकारी कंपनी को बेचना होता है? IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स बेचती है पब्लिक के बीच, तो इसे IPO कहते हैं। और कंपनी अपने शेयर्स बेचती है जब उसे अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करना हो, मतलब लार्ज स्केल में स्थापित करना हो, अधिक से अधिक ब्रांचेस खोलनी हो, तो इसके लिए कंपनी को चाहिए बहुत सारा पैसा, या फिर कंपनी पे बहुत सारा डेब्ट हो, कर्जा हो, तो उसके लिए भी चाहिए बहुत सारा पैसा। वैसे तो पैसा कंपनियों को लोन के माध्यम से भी मिल सकता है, पर IPO भी एक तरीका होता है जिससे कोई कंपनी पैसा अर्न करती है, और वो तरीका है अपने शेयर्स बेचकर। मतलब कि सीधा ये कि आप भी कंपनी में शेयर्स ले सकेंगे, और शेयर्स बेचकर ही कंपनी फंड जोड़ती है। इसके लिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्टेड करना होता है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो लोग भी शेयर्स खरीदते हैं और जितना परसेंट भी शेयर्स खरीदते हैं, वो उतने परसेंट के उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। इन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो अब हम वापस आते हैं LIC के IPO पर। LIC की बात करें तो वास्तव में इसे कंपनी माना ही नहीं जाता, क्योंकि LIC की स्थापना कंपनी एक्ट के तहत तो हुई ही नहीं थी, बल्कि खुद LIC एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। LIC 100% सरकारी कंपनी है। अब जबकि LIC में IPO आने वाला है, तो सरकार के प्लान के मुताबिक अब चाहे तो आप भी LIC में हिस्सेदारी ले सकते हैं, शेयर्स ले सकते हैं, LIC के शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर मार्केट में LIC अच्छा प्रोग्रेस करती है, जो कि ऑब्वियसली करती ही है, यह भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, तो आपको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपके पैसे भी डबल से ट्रिपल तक हो सकते हैं। और LIC पूरी तरह से सरकारी है, 100% शेयर अभी सरकार के पास ही हैं, तो मतलब सरकार कुछ परसेंट शेयर पब्लिक को ऑफर कर रही है कि आइए और आप भी हिस्सेदार बनिए। इससे सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा फंड मिलने की उम्मीद है, और सरकार का टारगेट है कि करीब 1.75 लाख करोड़ का डिस इन्वेस्टमेंट तैयार हो, जिससे सरकार फिस्कल डेफिसिट को कम करेगी, मतलब जो सरकार पर कर्जा है उसको कम करेगी। अब आप शायद ये भी सोचें कि आप शेयर्स खरीदेंगे कैसे, तो आपको इसके लिए पहले डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना जरूरी होता है। तो सरकार ने अपने 100% हिस्सेदारी में से 5% शेयर्स पब्लिक के लिए जारी कर दी है, मतलब LIC में 5% शेयर्स अब पब्लिक ले सकेगी। साथ ही अगले 5 सालों में सरकार इसे 25% तक करने का भी प्लान बना रही है। और अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर हैं, तो आपके लिए सरकार 10% हिस्सा रिजर्वेशन के तौर पर सुरक्षित रखेगी। इसके अलावा पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट भी दिए जा सकते हैं। और एक रिपोर्ट के हिसाब से सरकार ने फॉरेन कंपनीज को भी इनवाइट किया है इन्वेस्टमेंट के लिए। 20% की FDI की परमिशन दे दी गई है इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब इस 20% हिस्से के मालिक बनेंगे फॉरेन कंपनीज। अब कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार चाहे कितने भी परसेंट शेयर बेचे, लेकिन कम से कम 51% हिस्सेदारी अपने पास ही रखेगी। इससे ये तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि LIC पूरी तरह से सरकारी कंपनी होगी, पर यह भी नहीं कहा जाएगा कि LIC को पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया गया है। रही बात हमारे जैसे लोगों की, तो जिनके भी पॉलिसी LIC में है, तो उसमें पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह आइडिया सिर्फ शेयर्स बेचने का है, बल्कि पॉलिसी होल्डर्स भी इन्वेस्ट करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपको अपना पैन अपडेट करवाना होगा। यदि आपका पैन नंबर आपकी पॉलिसी से लिंक नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिस पर क्लिक करके आप खुद पैन नंबर लिंक कर सकते हैं। जब भी IPO जारी होता है, तो इसके 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है रिटेलर्स, यानी कि जैसे हम लोग, जो 2 लाख तक पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स, मतलब जो 2 लाख से ज़्यादा पैसा लगाते हैं। और तीसरा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स, जैसे कि इन्वेस्टर कंपनी हो गई जो एक बार में लंपसम ज़्यादा पैसा लगाते हैं। अब IPO में जितने शेयर्स भी अलॉट किए जाते हैं, वो 35% रिटेलर्स के लिए होते हैं, 15% नॉन इंस्टीट्यूशंस बायर्स के लिए होते हैं, और बाकी के 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बायर्स के लिए होते हैं। यह हिस्सेदारी सेबी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। यानी कि एग्जांपल के तौर पर, यदि कोई कंपनी ए 100 करोड़ रुपए शेयर्स बेच रही है, तो 35 करोड़ रिटेलर्स के लिए अलॉट हैं, 15 करोड़ नॉन इंस्टीट्यूशंस बायर्स के लिए, और 50 करोड़ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बायर्स के लिए।
LIC का IPO इस साल मार्च या अप्रैल तक में आने का प्लान है। इसे बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। सरकार LIC के IPO को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। उम्मीद है कि कई लोग IPO के जरिए शेयर्स लेने के लिए सब्सक्राइब करेंगे। हालांकि कई ऐसे भी लोग हैं जो LIC में IPO लाने का विरोध भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सरकार का यह फैसला आपको कितना सुरक्षित लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आप LIC के IPO से संबंधित कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पर भी वीडियो बनाकर जानकारी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। Have a nice day.